नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ जिसका हमें बरसों या अरसों जो भी कहते हैं हिंदी सीखना पड़ेगी पहले तो इससे इंतजार था, लॉकडाउन से इंतजार था जिसका, तो वो खुशखबरी लेकर आया हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स एंटायर इंडिया में कब ओपन होने वाले हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब रिज्यूम होने वाली है और आप किसी भी कंट्री के लिए वीजा एप्लीकेशन कब कर सकते हैं। सो किसी भी पर्पज से, टूरिस्ट वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो या एनी अदर टाइप ऑफ वीजा हो, तो सबसे पहली खुशखबरी डिस्कस कर लेते हैं, शुरुआत उसी से करते हैं। तो पहली शुरुआत यह है कि वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन हो चुके हैं न्यू दिल्ली में, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए क्योंकि बहुत टाइम से इसका हम इंतजार कर रहे थे। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज के वीजा एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, साइप्रस, डेनमार्क, एस्टोनिया, जॉर्जिया, जर्मनी, आइसलैंड, इटली, जापान, लातविया, माल्टा, नॉर्वे, पोलैंड, ऑलमोस्ट सारी यूरोपियन कंट्रीज, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, यूक्रेन, इन सारी कंट्रीज के वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट सेंटर्स ओपन हो चुके हैं। और अभी तो शुरुआत में देखिए गाइस, 1 जुलाई तक तो जो ऑलरेडी सर्विसेज, पासपोर्ट पासबैक सर्विसेज को वो क्लोज करेंगे, जिनकी जो पेंडिंग फाइल्स थी उनको पहले डिस्पैच करेंगे, उसके बाद आप लोगों की फ्रेश एप्लीकेशंस जो है वो रहेगी, मतलब जिन्होंने पहले एप्लीकेशन करके रखी थी उनकी एप्लीकेशंस को पहले सॉल्व किया जाएगा क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो अटक चुकी थी। तो पहले तो वो काम होने वाला है, ठीक है, उसके बाद आप वीजा की एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि पूरा इंटायर इंडिया में कब खुलेंगे, तो गाइस जैसे ही अभी तो न्यू दिल्ली में खुल गए हैं सिचुएशन को देखते हुए, वैसे ही धीरे धीरे मोस्ट प्रोबेबली आप मान लीजिए कि जुलाई में सारे वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट कब ओपन होगी, सो गाइस हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है कि जैसे ही इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट्स का जो ट्रैफिक है वो 50-60% रीच हो जाता है और अदर इंटरनेशनल कंट्रीज जैसे ही अलाउ कर देती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, वैसे ही हमारी कंट्री में इंटरनेशनल फ्लाइट्स स्टार्ट हो जाएगी। तो एक एस्टिमेट जो लगा है वो मिड जुलाई में आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन होने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया कि मिड जुलाई में ही सारे वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन हो जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंगली फ्लाइट्स भी ओपन हो जाएगी जुलाई में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कब किसी भी कंट्री का वीजा एप्लीकेशन कर पाएंगे, सो गाइज ये सारी प्रोसेस आप जुलाई के बाद से ही कर सकते हैं। वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स दिल्ली का ओपन हो चुका है, एंटायर इंडिया के जुलाई तक ओपन हो जाएंगे, उन जुलाई से ही आप वीजा एप्लीकेशन करने लग जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि जिस कंट्री के लिए एप्लीकेशन करना है वो वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है या नहीं, तो वहाँ मुद्दा आता है, मेन पॉइंट आता है। तो बेसिकली सारी कंट्रीज अब एक्सेप्ट करने लग गई है, जहाँ तक इटली, माल्टा की बात करें तो ये एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेंगे जैसे वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स एंटायर इंडिया में ओपन। ये कुछ अपडेट्स थी और तैयारी करिए, शॉपिंग करिए और वीजा एप्लीकेशन करके दुनिया घूमने निकलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आता है तो। और ठीक है, मैं तो अपने पास शिप है, मैं शिप से जा रहा हूँ, आप भी आओ, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।